आलू के पापड़ किसको खाना नहीं पसंद, बस सब यही सोचते हैं कि फटाफट से कोई आसान तरीका मिल जाए कि ढेर सारे आलू के पापड़ एक ही बार में बनकर के रेडी हो जाए। तो इसलिए आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आलू के पापड़ की ऐसी रेसिपी जो फटाफट से बनकर के रेडी हो जाती है और एक बार में आप ढेर सारा पापड़ बना करके रेडी कर सकते हैं। और तो और मैं आपके साथ एक सीक्रेट टिप शेयर करूँगी जिससे आपका पापड़ बहुत ही अच्छा बनकर के रेडी होगा। तो चलिए फटाफट से बना करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के 3 आलू लिए हैं। इसे मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। छीलने के बाद से अब आलू को लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसे कट करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने सारे आलू को बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आलू को कट करने के बाद से हम लोग इसे 1-2 पानी धुल देंगे। अच्छी तरीके से धुलने के बाद से अब यहाँ पे एक मिक्सी ग्राइंडर लेंगे और मिक्सी ग्राइंडर में कटे हुए आलू को इस तरीके से पानी से छान करके डाल देंगे। हमें मिक्सी ग्राइंडर में इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है ताकि एक भी लम्प्स ना रह जाए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम लोग एक बड़े से कटोरे में छन्नी की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे ताकि जो भी लम्स रह गए होंगे या आलू के बड़े से टुकड़े वो अलग हो जाएंगे और पानी इस तरीके से छान के एक बार। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से छन्नी में डाल करके इस तरीके से छान लूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चम्मच से इस तरीके से कर रही हूँ ताकि पानी और बड़े लम्स बिल्कुल अलग अलग हो जाए। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इसे छान करके पानी अलग कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब जिस कढ़ाई में हमें इसे पकाना है वो कढ़ाई ले लेंगे और इस तरीके से एक मेजरमेंट के लिए कप ले लेंगे और कप में यहाँ पे 2 कप यहाँ पे पानी हुआ है तो इस तरीके से 2 कप पानी ले लेंगे आलू का और उसी कप से 4 कप पानी ऐड करेंगे। मेजरमेंट अगर अच्छी रहेगी तो उस हिसाब से हमारा पापड़ भी अच्छी तरीके से बनकर के रेडी होगा। यहाँ पे बस आपको मेजरमेंट का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम लोग इसे गैस पर चढ़ा देंगे। गैस पर चढ़ाने के बाद से अब हम लोग गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। यहाँ पे गैस के फ्लेम को ना ज़्यादा हाई रखना है और ना ही ज़्यादा मीडियम। हमें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से धीमी धीमी आंच पे ही पकाना है ना। तो यहाँ पे अब इसे अच्छी तरीके से मिलाते हुए हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से इसे पकाएंगे। बस थोड़ी देर के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी मोटी हो गई है। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम पे पका रहे हैं तो इसे पकने में कम से कम 20 से 21 मिनट तक लग सकता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आप यहाँ पे अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं और व्रत में पापड़ खाना किसको नहीं पसंद, तो आप इजी वे में इस पापड़ को बना करके रेडी कर सकते हैं क्योंकि ये फटाफट से बनकर के रेडी हो जाती है और एक ही बार में ढेर सारा पापड़ बन जाता है। यहाँ पे अब हमारा सीक्रेट स्टेप शुरू होता है। तो सीक्रेट टिप ये है कि अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो इसकी जगह पापड़ खाड़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरीके इसका एक स्लरी बना लेंगे। उसके बाद से अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद से अब इसे लगातार चलाते हुए हम लोग इसे पकाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना पड़ जाए। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम लोग चलाते रहेंगे लगातार और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। बस थोड़ी देर में आप नोटिस करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी तरीके से चेंज हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसे पकाते वे मुझे करीबन 20 से 21 मिनट तक हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। चलिए यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चमचे पे एक परत इस तरीके से लग चुका है। तो यहाँ से इधर पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो पापड़ बनाने के लिए बैटर है वो बनकर के रेडी है। जब चमचे पे आप इस तरीके से उंगली करेंगे ना तो इस तरीके से अगर एक लाइन ड्रॉ हो जाती है और आपस में ज्वाइंट नहीं होती है वो, तो इसका मतलब यहाँ पर अच्छी तरीके से ये पक चुका है। अब हम लोग यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और थोड़ा सा हम लोग इसे ठंडा हो जाने देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है, बस थोड़ा सा हम लोग को थोड़ी देर इसे साइड में रख देना है ताकि एकदम गर्म गर्म हम लोग इसे प्लास्टिक पे नहीं डाल सकते, इसलिए बस थोड़ा सा ठंडा करना है। तो अब बस यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि पापड़ बनाना है। तो इस तरीके से मैं पॉलिथीन पे चम्मच की हेल्प से 1-1 चम्मच गिराऊंगी और पापड़ बनाती जाऊंगी। तो यहाँ पे अगर आपको मोटी पापड़ पसंद है तो आप चम्मच से ज़्यादा गिरा करके मोटी लेयर बना सकते हैं। अगर आपको पतली पापड़ पसंद है तो थोड़ी पतली बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप छोटी छोटी पापड़ बनाएंगे तो यहाँ पे करीब आपका 100 से अधिक पापड़ बनकर के रेडी हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से पापड़ देख लीजिए।
चीज़ें। और ये पापड़ पंखे के नीचे भी जल्दी से सूख जाएगी और बन करके रेडी हो जाएगी। अगर धूप में बना रहे हैं तो ये धूप में 2 से 3 घंटे में सूख जाएगी। तो ये लीजिए, यहाँ पे पापड़ बिल्कुल बढ़िया तरीके से सूख चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पापड़। तो देखा ना आपने, ये आलू के पापड़ को बनाना कितना आसान था, फटाफट से बन करके रेडी हो जाता है। तो एक बार आप इसे बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे पापड़ बन करके रेडी है, किस बात की देरी। अब बस गर्मा गर्म तेल में छानेंगे और पापड़ इंजॉय करेंगे। और ये पापड़ बहुत ही जल्दी तेल में छान करके रेडी हो जाता है। बस तेल में डालो और फटाक से बस तेल से बाहर निकाल लो। तो इंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय बाय।